इस क्वेश्चन में कह रहा है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 3। हमें टेस्ट करना है कि ये सारे नंबर्स डिविजिबल हैं कि नहीं है 3 से। तो कैसे करेंगे, हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में पढ़ा था कोई भी नंबर तभी डिविजिबल है 3 से जब उनकी डिजिट्स का सम जो आएगा वो 3 से डिवाइड होगा, और अगर 3 से डिवाइड हुआ तो ही डिविजिबल होगा 3 से, अदरवाइज नॉट। तो चलिए चेक कर लेते हैं, अगर आपने इससे पहले के सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट है हमारा 83, तो हमें क्या करना है, डिजिट्स ऐड करनी है। तो देखिए 8 + 3 किया तो ये कितना आ गया, 11 आ गया, और 11 डिविजिबल नहीं होता है, तो दैट मीन्स नॉट डिविजिबल, 83 डिविजिबल नहीं है 3 से। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ, सेकेंड पार्ट है हमारा 378। अब देखिए अब फिर से हम सारी डिजिट्स ऐड करेंगे तो ये कितना आ गया, 3 + 7 इज 10, 10 + 8 इज 18, और 18 3 से डिवाइड होता है, कितना आता है 6, तो ये डिविजिबल है, तो हेंस इट इज डिविजिबल बाय 3। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ, थर्ड पार्ट है हमारा 474। अब अगर देखेंगे सारी डिजिट्स को ऐड करेंगे 47 और 4 को तो ये कितना आ रहा है, 7 + 4, देखिए 4 + 4 इज 8, 8 + 7 इज 15, और 15 3 से डिवाइड होता है, 3 × 5 = 15 होता है, तो हेंस दिस इज डिविजिबल। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1693, तो देखिए 1 + 6 + 9 + 3 कितना हो गया, ये अगर आप देखेंगे 1 + 6 इज 7, 7 + 9 इज 16, + 3 इज 19, और 19 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो यहां लिख देंगे नॉट डिविजिबल। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ, फिफ्थ पार्ट है हमारा 20345। अब सारी डिजिट्स ऐड कर लेते हैं, जीरो आप लिखना चाहे तो लिख दें, अदरवाइज नहीं, मैं लिख के ही शो कर रही हूँ, 2 + 0 + 3 + 4 + 5, तो ये कितना आ गया, देखिए 2 + 3 इज 5, 5 + 5 इज 10 + 4 इज 14, और 14 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो हेंस दिस इज नॉट डिविजिबल। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 67035। अब फिर से सारी डिजिट्स ऐड कर लेते हैं, 6 + 7 + 0 + 3 + 5, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 6 + 7 इज 13, 13 + 3 इज 16, 16 + 5 इज 21, और 21 3 से डिवाइड हो जाता है, 3 × 7 = 21, तो हेंस दिस इज डिविजिबल। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 591282, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए सारी डिजिट्स ऐड कर रही हूं, 5 + 9 + 1 + 2 + 8 + 2, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 5 + 9 इज 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 + 8 = 27, और 27 3 से डिवाइड होता है, 3 × 9 = 27, तो हेंस दिस इज डिविजिबल। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ, नेक्स्ट पार्ट है हमारा 903164, कितना भी बड़ा नंबर हो इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप डिविजिबिलिटी टेस्ट से, कितना भी बड़ा नंबर हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट से, +1 + 6
प्लस फोर, तो ये कितना आ जाएगा, 9 प्लस 3 इज 12, 13, 13 प्लस 10 इज 23, और 23 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो हेंस नॉट डिविजिबल, नॉट डिविजिबल. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. नेक्स्ट पार्ट है हमारा 1, 4 टाइम्स 0 एंड 2. तो देखिए 1 प्लस 4 टाइम्स 0 ऐड करना चाहें तो कर लीजिए, वरना दिखाने की ज़रूरत नहीं है, दिखा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. और ये आ गया 3, और 3 3 से डिवाइड होता है वन टाइम, तो हेंस दिस इज डिविजिबल आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. इस क्वेश्चन में कह रहा है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 9. हमें ये बताना है कि ये सारे नंबर्स 9 से डिविजिबल हैं कि नहीं है. अगर आपने लास्ट के क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ ज़रूर देख लें, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं. देखिए 9 की डिविजिबिलिटी हमेशा 3 की डिविजिबिलिटी की तरह होती है, जैसे हम उसमें सारी डिजिट्स ऐड करते हैं और देखते हैं कि वो नंबर 3 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है. सिमिलरली इसमें भी सारे नंबर्स सारी डिजिट्स ऐड करेंगे और देखेंगे कि ये नंबर ऐड करके जो नंबर आएगा वो क्या 9 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है. देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं अपना. फर्स्ट है हमारा 327. अब 327 में 3 प्लस 2 सारी डिजिट्स ऐड कर लेंगे तो ये कितनी आ गई, दैट इज 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 7 इज 12, और 12 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो हेंस नॉट डिविजिबल बाय 9. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. सेकेंड पार्ट में कह रहा है 7524. अब देखिए अब फिर से सारी डिजिट्स ऐड करेंगे, 7 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 4, तो ये कितना आ गया, 7 प्लस 5 इज 12, 12 प्लस 2 इज 14, 14 प्लस 4 इज 18. 18 अगर देखेंगे 9 से डिवाइड होता है, 9 टू जो 18, तो हेंस दिस इज डिविजिबल बाय 9. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. नेक्स्ट पार्ट है हमारा 32022. इन क्वेश्चंस को डिवाइड करके नहीं दिखाना है, सिर्फ इसी पैटर्न से दिखाना है कि ये डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. तो अब सारी डिजिट्स ऐड कर लेते हैं, 3 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 2. अब देखिए कितना आ गया, ये 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 2 इज 9, और 9 9 से डिवाइड होता है, 9 वन ज़ा 9, तो हेंस दिस इज डिविजिबल. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. नेक्स्ट पार्ट है हमारा 6432. अब फिर से सारी डिजिट्स ऐड कर देंगे, 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 2, तो ये कितना आ गया, देखिए 6 प्लस 4 इज 10, 10 प्लस 3 इज 13, प्लस 2 इज 15, और 15 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो हेंस दिस इज नॉट डिविजिबल. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 89361 डिविजिबल है 9 से या नहीं है, तो हम सारी डिजिट्स ऐड कर लेंगे, 8 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 1, तो ऐड करके कितना आ रहा है, 8 प्लस 9 इज 17, प्लस 3 इज 20, 26 27, और 27 हमारा 9 से डिवाइड होता है, 9 3 इज 27, तो हेंस दिस इज डिविजिबल. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 14799. तो ये देखिए अब सारी डिजिट्स ऐड कर लेंगे, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 9, तो ये कितना आ गया, देखिए 1 प्लस 4 इज 5, 5 प्लस 7 इज 12, 12 प्लस 9 इज 21, 21 प्लस 9 इज 30, और 30 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो हेंस दिस इज नॉट डिविजिबल,
not divisible by 9. Let's do next part now. Next part कह रहा है 6688. अब फिर से सारी डिजिट्स ऐड कर लीजिए. 6 + 6 + 888 को ऐड करना है. तो ये कितना आ रहा है, देखिए 6 + 6 = 12, 12 + 8 = 20, 20 + 8 = 28, + 8 = 36. तो 36 हमें पता है 9 से डिवाइड हो जाता है, तो हेंस दिस इज डिविजिबल. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3006. तो सारी डिजिट्स ऐड कर लेते हैं. 3 + 0 + 0 + 0 + 6, तो ये कितना आ गया हमारा 9, और 9 9 से डिवाइड होता है, राइट? तो हेंस दिस इज डिविजिबल. लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ. लास्ट पार्ट है हमारा 5 × 3. अब सारी डिजिट्स ऐड कर लेंगे ये देखने के लिए कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं है. तो ये कितना आ गया, 3 + 3 = 6 + 3 = 9, 12 and 15, और 15 हमें पता है 9 से डिविजिबल नहीं होता है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, नॉट डिविजिबल आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.